आज की दौड़ इस पर्वत के नीचे तक रहेगी। आज तो आपको मुझसे पराजय माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। सज है आप, सज है आप, सज है आप, सज है आप। भगवान सूर्य नारायण जी, आज शोन के कारण आपकी जीत हुई। उसकी रक्षा करने हेतु मुझे जाना होगा, किंतु आज नहीं तो कल मैं आपको पराजित अवश्य करूंगा। रादागन! 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 ऊपर आना है या नीचे जाना है? आप जाओ, वहीं मैं जाऊंगा ना दादा। तुम हार गए शोन, अब तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। किसने कहा मैं हार गया? अभी उस पर्वत से लाल माड़ी के लिए आता हूँ। जल्दी दादा, लाल माड़ी के लिए आइए। अर्थात अर्थात हम दोनों ले आते, इतनी सी सहायता कर दीजिए। शोन वो मणि माता के लिए है, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के लिए नहीं। शोन, तुमने लंगोट क्यों नहीं पहनी? माँ इसे पाकर प्रसन्न तो होंगी ना? ओ, शोन! कैसे अश्व चला रहे हैं ना? वो महोदय अश्व को नहीं, अश्व महोदय को दौड़ा रहे हैं। अब तुम शीघ्र करो, अन्यथा माता तुम्हें इन्हीं की तरह दौड़ाएगी। हाँ हाँ, माता का सारा क्रोध तो केवल मुझ पर ही आता है। चलो चलो।
माता। देखो माता, हम क्या ले आए? कहाँ गए? कहाँ गए थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, सूर्य नारायण सच पर है, मुझे नहीं किया अभी तक। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे शो कि इस तरह बिना बताए मत जाया करो, मेरी प्राण निकल जाती है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? कितनी बार कहा है? कल कहा था, मंगलवार को दो बार कहा था, और उसके पहले तुम तो प्रतिदिन कहती हो माता, इतना छोटा बालक इतनी बड़ी गिनती कैसे याद रख सकता हूँ? दोबारा ऐसे मूर्खतापूर्ण साहस करने का प्रयास भी मत करना, समझे? चलो अब भोजन करो। पहले दोनों को अपने ताऊ के पास तो आने दो राधा। आओ बच्चों आओ। मैं नहीं आ सकता। क्यों? माता ने सांस करने से मना किया है। साहस? साहस तो हृदय में होता है, क्या नहीं होता? शोन, ताऊ को प्रणाम करो, फिर हाथ धो लेना, मैं भोजन परोस रही हूँ। राधाश्री, शोन, कर्ण, बच्चों तुम्हारे ताऊ बड़ी दूर चंपानगर से पधारे हैं, प्रणाम करो। प्रणिपात। तुम्हें तुम्हारी माता साहस करने से मना नहीं करती है कर्ण? नहीं, माता मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करती। शोन, आ जाओ भोजन कर लो। अरे पुत्र कर्ण, तुम भोजन नहीं करोगे? मैं पिताश्री के साथ भोजन करूंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ, माता को खिलाना नहीं पड़ता। कर्ण को मेरे साथ बैठकर भोजन करना प्रिय है राधाश्री। नहीं, 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 नहीं। बालक जब तक गुरुकुल नहीं जाता तब तक माता को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराना उचित है। मैं स्मरण ना सुशेन, हमें माता किस तरह अपने हाथों से भोजन कराती थी? और ये भी स्मरण है कि आप चोरी चोरी सारा गुड़ खा जाते थे। वही तो बालपन का आनंद है। पुत्र कर्ण, जाओ अपने माता से कहो, उसके जेठ जी का आदेश है, वो तुम्हें अवश्य भोजन कराएंगे। जाओ। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ, आपके जेठ जी का आदेश है।
माता हम दोनों को एक ही थाली में खिला देगी।